बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल ऑफ़ यू। आई एम फाइन हेयर ऑल्सो। टुडे इज़ द आवर चैप्टर ऑफ क्लास रिलेटेड टू द क्लास सेवन्थ बुक है इंग्लिश की, और इसका चैप्टर नंबर बेटा टुडे इज़ द वन वी विल डिस्कस टुडे, एंड द यूनिट नंबर वन है और टॉपिक नंबर इसका आज हमारे पास जो आपका लेक्चर नंबर है वो लेक्चर नंबर थ्री है। इसमें हमारे पास पैराग्राफ नंबर फोर है, थ्री तक हम पढ़ चुके हैं, पैराग्राफ फोर एंड फाइव मैं जो है आज आपको पढ़ाऊँगी। अपनी बुक खोलिए पेज नंबर फाइव। जी बेटा, इसके बाद पेज नंबर टू थ्री पे आपका ये पेज है, पेज नंबर थ्री पे आपका ये पैराग्राफ है। हम इसको लर्न और इसकी रीडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। ऑल मैनकाइंड इज़ द प्रोगेनी ऑफ एडम, एंड एडम वाज क्रिएटेड आउट ऑफ क्ले। तमाम बनी नू इंसान जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, प्रोगेनी औलाद, एंड आदम वाज क्रिएटेड आउट ऑफ क्ले, मट्टी से बने थे। क्ले का मतलब क्या होता है बेटा? मट्टी। और प्रोगेनी औलाद। बिहोल्ड एवरी क्लेम ऑफ द प्रिविलेज वेदर दैट ऑफ ब्लड और प्रॉपर्टी इज अंडर माय हील्स। चाहे ए लोगो, अब वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि जो हमारे पास बिहोल्ड एवरी क्लेम ऑफ प्रिविलेज वेदर दैट ऑफ द ब्लड और द प्रॉपर्टी इज अंडर माई हील्स। अब क्या आपने फरमाया, खून का यानी जो बदला है, बर्तरी और फजीलत जो है वो, ये जो दावा हम करते हैं, हर एक जो दावा करता है कि मैं सबसे ऊंचा हूँ, वो सिवाय इसके कि वो क्या है, फजीलत और बर्तरी का हर दावा जो है वो खून का हो या जायदाद या माल की बुनियाद पर हो, मेरे पाँव के नीचे है। यानी इम्तियाजी जो आप अपने आप को बालातर जाहिर कर रहे हैं, चाहे वो खून के ज़रिए करते हों कि मेरा ख़ानदान कैसा है, या फिर माल से करते हों, ये सब कुछ मेरे नबी के पाँव के तले है। एक्स हील्स एड़ी या पाँव, फीट के अलावा हील भी कहा जाता है। एक्सेप्ट सिवाय इसके दैट ऑफ द कस्टडी ऑफ द काबा एंड सप्लाइंग ऑफ वाटर ऑफ द पिलग्रिम्स होते हैं बेटा हाजी, पिलग्रिम्स ओ पीपल ऑफ क्रैश डोंट अपियर ऑन द डे ऑफ द जजमेंट विद द बर्डन ऑफ दिस वर्ल्ड अराउंड यू नेक्स वेन एवर अदर पीपल मे अपियर बिफोर द लॉर्ड विद द रिवॉर्ड्स ऑफ द हेयर आफ्टर। अब क्या मेरे नबी ने क्या नसीहत फरमाई है अपनी उम्मत को? फरमाते हैं मेरे नबी, सिर्फ काबे की निगरानी और निगबानी हाजियों को पिलाने की खिदमत पर बदस्तूर कायम रहेंगी। यानी क्या कहा कि जो काबे की कस्टडी या जो निगरानी है वो किसके पास रहेगी, और सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द पिलग्रिम्स यानी कि हाजियों को पिलाने की जिम्मेदारी, पानी पिलाने की जिम्मेदारी और काबे की निगरानी के सिवा, ए लोगों, कुरैश के लोगों, यानी कौन से लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, कुरैश के लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। अब नबी फरमाते हैं डोंट अपियर ऑन द डे, अल्लाह ताला के सामने क़यामत के दिन इस तरह हाजिर ना होना विद द बर्डन इस बोझ के साथ ऑफ दिस वर्ल्ड इस दुनिया के अराउंड यू नेक्स जो कि तुम्हारे इर्द गिर्द लिपटी हुई है। वेयर एज अदर पीपल मे अपियर बिफोर द लॉर्ड, हो सकता है दूसरे लोग जो हैं वो अल्लाह के सामने जो है रोज़े महशर इस तरह पेश हों के सामान आखरत लेकर पहुँचे विद द रिवॉर्ड्स ऑफ द हेयर आफ्टर, कि उनके पास जो है वो रिवॉर्ड्स, उनके पास उनके फलाह के रास्ते हों, यानी कि वो अपना दुनिया से जब जाएं तो सामान आखरत लेकर पहुँचे। इन द केस आई शेल अवेल यू नॉट अगेंस्ट अल्लाह। तो इस सिलसिले में क्या आपने फरमाया कि मैं नहीं चाहता कि तुम ये दुनिया का बोझ जो है अपनी गर्दनों में लेकर अल्लाह के सामने हुआ हाजिर हो, बल्कि उन लोगों में से हो जाओ जो कि अपने नामा अमाल लेकर, अच्छे नामा अमाल लेकर इस दुनिया से जाते हुए आपके सामने पेश हो, यानी अल्लाह के सामने पेश हो। नंबर फाइव इसके बाद हम पढ़ेंगे, बिहोल्ड देखो, याद रखो आपने क्या फरमाया, ए लोगो ओ बिहोल्ड ऑल प्रैक्टिसेस ऑफ ऑल द डे ऑफ द इग्नोरेंस आर नाउ अंडर माई फीट। इग्नोरेंस कहते हैं जहालत को, जहालत के दौर की तमाम जो अमाल थे अंडर माई फीट्स, प्रैक्टिसेस
से मुराद यहाँ है आमाल, यानी कि जो अमल किया जाता था जहालत के दिनों में वो अब मेरे पाँव तले है। द ब्लड रिवेंजेस ऑफ द डेज ऑफ द इग्नोरेंस आर द रिमिटेड, और जो उस वक्त लोग खून का बदला लेते थे जहालत के दिनों में उसे माफ़ कर दिया जाता है। द फर्स्ट क्लेम ऑन ब्लड आई एबॉलिश इन दैट द इबन रबिया बिन हारिस, ये हज़रत रबिया बिन हारिस हैं जिनका जिक्र आ रहा है यहाँ पर, ये साहबी रसूल भी हैं। आपने क्या फरमाया कि हज़रत रबिया बिन हारिस जो हैं उनकी सबसे पहला जो खून था हज़रत रबिया बिन हारिस का वो मैं माफ़ फरमाता हूँ, जो कबीला बनी साद ने किया था। ही वॉज नर्स्ड इन द ट्राइब ऑफ द साद एंड हु इज़ द हुदायल्स, हुदायल्स जो हैं या हदियल जो हैं उन्होंने उन्हें मार डाला था। आप फरमाते हैं देखो तमाम जहालत के दौर की जो रस्में थी वो मेरे पाँव के नीचे हैं, और रसूल पाक ने फरमाया कि जो बदला था जहालत के दिनों में मेरे सहाबी जो थे उनको जो कत्ल किया था जिनका नाम था इब्ने रबिया बिन हारिस, उनका वो जहालत के दिनों में जो कत्ल हुआ मैं उस उनको माफ़ फरमाता हूँ। हु वॉज नर्स्ड इन दैट, जो कि जिनकी परवरिश जो थी कबीला, जो परवरिश कौन कर रहा था उनके ट्राइब था साद, साद कबीला था और उनको दायल्स ने, दायल्स ने बेटे क्या किया, हुदायल्स ने उन्हें मार डाला, किल्ड, और उन्हें किसने कत्ल किया, हुदायल्स ने। ऑल इंटरेस्ट एंड द, ऑल इंटरेस्ट एंड द इश्योरियस ड्यूज सिक्योरिंग फ्रॉम टाइम्स ऑफ इग्नोरेंस स्टैंड वाइप्ड आउट, और जो जहालत के दिनों में रसूमात थीं इनमें से कौन सी रसूमात थीं जो कि आपने ख़त्म फरमा दी थी, और सूद की, इश्योरियस का मतलब है सूद, ड्यूज एक्योरिंग यानी कि जो लोग सूद लिया करते थे उन अखराजात पर या उन कर्ज़ों पर जो कि दिए जाते थे जहालत के दिनों में, उस खराबी को भी मैं जो ख़त्म करता हूँ। एंड द फर्स्ट अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट दैट आई रिमिट इज़ दैट विद अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब हैड टू रिसीव वेरली इट इज़ रिमिटेड एंटायरली, और जो हज़रत अबू तालिब के बेटे अब्बास इब्न अबू तालिब मुत्तलिब जो थे यानी कि आपके चचा जो थे, उन्होंने जो पहला कर्ज़ा अपने दौर में लिया था या उन्होंने सूद जो लिया था उस पर वो भी रकम जो है वो ख़त्म की जाती है, यानी ज़माना जाहिलियत के दौर में जो सूद लिया गया था जो अब्बास इब्न मुत्तलिब ने वसूल करना थी मैं उसे भी मुआफ़ करता हूँ। ओ पीपल वेरीली योर ब्लड, ऐ लोगो, अब अल्लाह ताला के नबी क्या फरमाते हैं, योर प्रॉपर्टी आप, तुम्हारा आपस के लिए खून, तुम्हारी जायदाद, एंड योर ऑनर और तुम्हारी इज्जत आर सेक्रेड एंड इनवॉयलेबल है, काबिल एहतराम है एक दूसरे के लिए, पाकीज़ा हैं। ए लोगों तुम्हारा खून, तुम्हारी जायदाद या तुम्हारा माल और तुम्हारी इज्जत आपस में एक दूसरे के लिए काबिल एहतराम है। अनटिल यू अपीयर बिफोर योर लॉर्ड, इससे पहले कि तुम अपने खुदा के सामने हाजिर हो जाओ, सेक्रेड द इनवॉयलेबिलिटी ऑफ द डे ऑफ योर्स, और वो उस दिन क्या होगा कि तुम जब अल्लाह के सामने हाजिर होंगे तो इस बात का ख्याल रखना कि तुमने किस तरह हाजिर होना है। आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम्हारा खून, तुम्हारी जायदाद और तुम्हारी इज्जत इतनी ही काबिल एहतराम है जैसे तुम्हारा ये दिन, तुम्हारा ये महीना और ख़ास ये शहर मुकद्दस है, यानी कि हज़रत पाक ने फरमाया कि जिस तरह ये तुम्हारा खून, तुम्हारी जायदाद, तुम्हारी आपस में एक दूसरे के लिए इस तरह ही काबिल एहतराम होना चाहिए जिस तरह के ये दिन और तारीख जो है वो तुम्हारे लिए काबिल एहतराम है, और जैसे तुम खुदा के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हो यानी कि तुम जवाब दे होंगे जब तुम अमाल के, उन अमाल के जब तुम एक्शंस अमाल के आंसरेबल काबिल जवाब दे होंगे कि जब तुम अल्लाह के सामने पेश होगे तो उस दिन तुम ये इस अमाल के जो कि तुम दुनिया में करते रहे हो उनके जवाब दे होंगे। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है लाजमी, और हमारे इस चैप्टर के इस जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसको आपने घर में अच्छी तरह बैठ के रिवाइज़ भी करना है, सिर्फ लाइक ही नहीं करना, इसे पढ़ना भी है और इसमें कमेंट्स भी देने, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो अगले दिन के लेक्चर में मैं फिर रिवाइज़ कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़।